Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tahis Raza from Telhar, Shahjahanpur, UP. ये linear algebra की एक problem है, यानी vector space का एक example हमने यहाँ पर लिया है. The set C of all complex numbers with usual addition of complex numbers and multiplication why a real numbers form a vector space over the field R of real numbers however the converse true ye pucha gaya hai ki converse hoga jibki shuru mein kaha gaya tha ki jo set hai jaise ki hum log jante hain complex number ka set jo hota hai sare complex number ka set c se denote karte hain aur jis tarike se complex number mein addition ki property ये डिफाइन है और मल्टीप्लिकेशन की और उसके साथ में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में किसी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो उन प्रॉपर्टी को देखते हुए हमें सी के बारे में बताना है कि प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो उससे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी वो एक वेक्टर स्पेस होगा फील्ड आर पे और फिर बाद में पूछा गया कि अगर फील्ड को चेंज किया जाता है और सेट को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो क्या ये इसका कन्वर्स भी टू होगा यानी वो एक वेक्टर स्पेस होगा तो हमें सी को पहले प्रूव करना है कि सी वेक्टर इस फील्ड आर पर सी फील्ड आर पर जो होगी वो एक वेक्टर स्पेस होगी अब जबकि जो फील्ड अगर हम सी ले लें और वेक्टर और एक सेट आर ले लें तो आर जो होगा उसी फील्ड पर एक वेक्टर स्पेस नहीं होगा ये हमको प्रूव करना है तो इससे प्रूव करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जितने भी जो सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलके बना होता है इसकी जो भी नंबर होंगे जेड वो इस फार्म में होंगे जेड की वैल्यू जो होगी वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से जो मिला दिया जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही नंबर रियल नंबर होते हैं यानी एक्स वाई बिलोंग टू आर होते हैं लेकिन जब रियल नंबर में यानी जैसे कि वाई रियल नंबर है इसमें आई से इंटू करते हैं आई इमेजिनरी नंबर मिलता है और रियल इमेज मिल जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाते हैं इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू जब डिफरेंट हम डालेंगे तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलेंगे उनका जो सेट होगा उस वो सेट के बारे में हमें फील्ड जब हम सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे तो प्रूव करना है ये सी और प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी इसको हमें बताना है कि एक वेक्टर स्पेस होगी अब हम यहाँ पर स्केलर अल्फा बीटा लेते हैं जो कि बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स के और ये हमारी फील्ड होगी और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो यहाँ पर सेट सी है उसकी जो एलिमेंट्स हैं माना कि उनमें से कुछ एलिमेंट हम जेड वन जेड टू जेड थ्री ले लेते हैं जिनका आगे चल के हम यूज़ करेंगे इसलिए इसको यहाँ पर पहले लिया है वो इस तरीके से लिया है सच दैट वो इस जैसे कि डेफिनेशन है सी में जो वी एलिमेंट होता है उसके एलिमेंट इस फार्म में होते हैं जैसे लिखा हुआ है यानी जेड वन की वैल्यू को हम लिख सकते हैं ये एक्स और वाई की टर्म में आई एक्स वन प्लस आई वाई वन होगा इसी तरीके से जेड टू को लिखा जा सकता है ये एक्स टू प्लस आई वाई टू होगा और जेड थ्री की वैल्यू आगे चल के हम लेंगे एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री लेंगे और यहाँ पर एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू और एक्स थ्री बाई थ्री सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं क्योंकि फील्ड के बारे में बताया गया था ये फील्ड जो होगी वो एक सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी और हमको बताना है ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो फील्ड आर पर एक वेक्टर स्पेस होगा जिसमें हम ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक वेक्टर स्पेस होगी इसके लिए हमें 10 प्रॉपर्टी प्रूव करना होगी जैसे कि हम डेफिनेशन में बता चुके हैं उन 10 प्रॉपर्टी के लिए हम इसको
पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में बांटते हैं। तो पहले पार्ट की जो पांच प्रॉपर्टी हैं कि हमको ये बताना है कि ये सी प्लस ऑपरेशन पर इज़ एक एनेबिलियन ग्रुप होगा, एन एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप अगर है तो उसके लिए हमें इन पांच फाइव प्रॉपर्टीज़ को बताना होगा। उन वो फाइव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहले नंबर पर क्लोज़र प्रॉपर्टी, क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी के लिए हमें यहाँ पर नंबर्स लेना होंगे दो, जेड वन जेड टू, जैसे बेल से बता चुके हैं बिलोंग टू सी है, और सच दैट कि उनका अगर सम किया जाए जेड वन जेड टू का, और जेड वन की वैल्यू जो होगी वो एक्स वन प्लस आई वाई वन है, और जेड टू की वैल्यू एक्स टू प्लस आई वाई टू है। और हम लोग जानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, इसका रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर दिया जाता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया जाता है। तो आई कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से और वाई वन प्लस का वाई टू आ जाएगा। देख रहे हैं ये रियल नंबर जुड़ेंगे, अगेन एक कोई रियल नंबर हमको मिलेगा और ये भी रियल नंबर, और ये दोनों रियल नंबर हैं उसमें आई से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होंगे वो सी को बिलोंग करेंगे। मीन्स ये हुआ कि अगर जेड वन जेड टू सी को बिलोंग कर रहा है तो इसका सीधा मतलब ये निकल रहा है जेड वन प्लस जेड टू बिलोंग कर रहा है सी को। इस तरीके से ये क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। तो अब हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट हमारे ग्रुप था उसकी सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी में लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखेंगे कि एसओ सी ए टी वी टी भी लिख सकते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए हमें तीन नंबर्स लेना पड़ेंगे, जेड वन जेड टू जेड थ्री बिलोंग टू सी। अब इनको दिखाना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होती है, तो उसके लिए एसोसिएटिव की जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, मीन्स ये कि जेड टू प्लस जेड थ्री को पहले ऐड किया जाए फिर जेड वन को ऐड किया जाए। तो इसका रिजल्ट हमें ये प्रूव करना होगा कि या तो हम जेड वन जेड टू को ऐड कर दें पहले और फिर जेड थ्री को ऐड करें तो वो इसके ही बराबर आए। तो इसको लेके चलते हैं और हम उसके बराबर लेके आएंगे, यानी जेड वन जेड टू वहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखे होंगे, यानी उनको पहले ऐड करना है फिर जेड थ्री को। तो ऐसा कर सकते हैं, प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम सारी जेड वन की वैल्यू जो एक्स वन प्लस आई वन पहले ही बताई जा चुकी शुरू में, प्लस इसके बाद जेड टू की वैल्यू को लिखते हैं। जेड टू की वैल्यू है एक्स टू प्लस आई वाई टू, इसी तरीके से जेड थ्री की वैल्यू है एक्स टू प्लस आई वाई थ्री, एक्स जेड थ्री की वैल्यू है एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री। अब इन नंबर्स को ब्रैकेट लगा हुआ है तो इस वाले ब्रैकेट को पहले हमें सॉल्व करना होगा, एक्स वन प्लस आई वाई वन प्लस का इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, रियल पार्ट में हमको रियल पार्ट ऐड करना होगा यानी एक्स टू प्लस का एक्स थ्री को पहले ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद में फिर इन दोनों में से जो इमेजिनरी पार्ट है आई कॉमन लेंगे तो वाई टू प्लस का वाई थ्री आ जाएगा। अब अगेन ये दो नंबर हैं, एक ये नंबर है और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, एक आई का मल्टीप्लाई है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमें ऐड करना होगा तो इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करें। तो रियल पार्ट इसमें एक्स वन है और इस तरफ जो है रियल पार्ट ये ब्रेकेट है जिसमें लिखा हुआ है एक्स टू प्लस एक्स थ्री, तो इसको पहले ऐड करना है। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर लिया, प्लस आई कॉमन लेते हैं इमेजिनरी पार्ट, यानी यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट जो है वाई वन है, उस तरफ आई का कोएफिशिएंट जो है वो वाई टू प्लस का वाई थ्री है, और ब्रेकेट के अंदर जो लिखे हैं नंबर वो सारे नंबर रियल्स हैं, यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स वाई वन वाई टू वाई थ्री, ये सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर में हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। मींस कि हम यहाँ पर एक्स वन एक्स टू को साथ में लिख दें, पहले एक्स वन एक्स टू को जोड़ दें और फिर उसके बाद एक्स थ्री को जोड़ें तो ये वैल्यू सेम होती है। तो जिस तरीके से इनको मिलाया था उसी तरीके से इनको अब अलग करेंगे और यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी हम लोग जानते हैं एसोसिएटिविटी जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर में अप्लाई होती है, सेटिस्फाई होती है। तो लिख देंगे एसोसिएटिविटी
इन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स थे। अब इसका उल्टा चलेंगे, यानी हम जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो उनके रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेज पार्ट ऐड होता है। तो यहाँ पर इसका उल्टा करना है, ये ऐड किए हुए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हम अब अलग अलग कर रहे हैं, तो उनके रियल पार्ट को पहले हम लोग किया पहला और दूसरे वाले, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिख रहे हैं पहले वाले नंबर का बाई वन प्लस का बाई टू। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये एक नंबर बना लिया, अब दूसरे नंबर को जिसके एडिशन में चल रहा है इसका रियल पार्ट अलग करेंगे और इस यहाँ से लेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट जो आई वाई थ्री होगा। तो अगेन इसमें यही वाली प्रॉपर्टी जो जुड़ा हुआ इसको हमें तोड़ के अलग अलग दो कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में लिखना है, यानी यहाँ से रियल पार्ट ले लेंगे और वहाँ से इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, तो आई वाई वन इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से एक्स टू ले लेंगे रियल पार्ट और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट वाई टू, ये हो गया और प्लस का, फिर उसके बाद एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री। इस नंबर को हम लोगों ने डिनोट किया था जेड वन से, इस नंबर को जेड टू से लिखा था और ये ब्रैकेट के बाहर ये नंबर Z3 है। तो हमने देखा कि Z1 की वैल्यू को हमने Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी Z2 और Z3 को पहले ऐड करना था, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड कर दें फिर Z3 को, और ये हमने जनरल केस में वैल्यू ली थी, यानी ये ना सिर्फ कि नहीं तीन Z1 Z2 Z3 के लिए बल्कि C में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट Z1 Z2 और Z2 Z3 इन सभी के लिए ये बात लागू है कि इस प्रॉपर्टी को वो फॉलो करेंगे, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। अब हम इसमें तीसरी प्रॉपर्टी को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि सी प्लस जो ऑपरेशन है वो एक एबेलियन ग्रुप है और एबेलियन ग्रुप में जो पांच प्रॉपर्टी होती है उनमें से ये हमने वही दो प्रॉपर्टी ही बता पाई हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और यहाँ पर एडिशन वाली आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो उसको लिखना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो बिलोंग करती है, सिंस देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग टू सी सच दैट कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उस ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, चाहे इसमें पोस्ट ऐड किया जा रहा हो या प्री ऐड किया जा रहा हो। जबकि हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि ज़ीरो को ज़ीरो प्लस आई इंटू ज़ीरो करके लिख सकते हैं, और ये बिलोंग करता है सी को, क्योंकि इस टाइप का जो भी इस फार्म में होगा वो नंबर सी को बिलोंग करेगा। और हमने यहाँ पर देखा ज़ीरो मौजूद होता है सी के अंदर, इसलिए एग्जिस्टेंस इसका है। अब इसकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो अगले पेज पर हम देख रहे हैं कि ये होती है चौथे इसी फर्स्ट वाले ग्रुप की, हम जो पांच प्रॉपर्टी लिखने थे उसकी पांचवी की फोर प्रॉपर्टी, हमें टोटल मिला के 10 प्रॉपर्टी बताना होगा वेक्टर स्पेस की। तो चौथी प्रॉपर्टी जो होगी वो हम लोग जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी देयर एग्जिस्ट माइनस दैट, यानी देयर एग्जिस्ट मैथमेटिकल साइन है, आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं माइनस जेड, देयर एग्जिस्ट माइनस जेड बिलोंग टू सी, सी यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट देयर एग्जिस्ट माइनस सी, और ये यूनिक नंबर होता है जेड, लिख भी देंगे यूनिकली बिलोंग करता है सी को हर एक जेड के लिए, सच दैट फॉर एवरी, यहाँ पर ये लिखना होगा फॉर एवरी जेड बिलोंग टू सी, यानी जो भी जेड सी को बिलोंग करता है उसके लिए एक इसका साथी माइनस जेड होता है, इस तरीके से होता है। अब लिखेंगे यहाँ पर सच दैट इस प्रॉपर्टी के साथ में कि जेड में अगर माइनस जेड को ऐड किया जाएगा तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो आएगी, चाहे उसको पोस्ट ऐड किया जा रहा हो या प्री ऐड किया जा रहा हो, उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर आएगी। तो जेड माइनस जेड का एडिटिव इनवर्स है और माइनस जेड जेड का एडिटिव इनवर्स है, आपस में ये एक दूसरे के
एडिटिव इनवर्स है। अब लास्ट इस ग्रुप की पांचवी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिविटी, उसके लिए हमें दो नंबर लेना पड़ेंगे, जेड वन और जेड टू बिलोंग टू सी। यहाँ पर हम जेड वन जेड टू को पहले ही बता चुके हैं इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, तो हम दिखाना पड़ेगा कि जेड वन में जेड टू को ऐड कर दें या जेड टू में जेड वन को इक्वल कर दें, दोनों इक्वल आएंगे, यानी ऑर्डर को चेंज करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी इस सेट में। तो पांच प्रॉपर्टी तो हो जाएंगी। फिर जेड वन की वैल्यू पुट करें तो एक्स वन प्लस आई वाई वन हो जाएगी, इसी तरीके से जेड टू की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स टू प्लस आई वाई टू, जैसे पहले बताया जा चुका है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हम लोग जानते हैं कि रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं, और फिर ये जो नंबर्स हैं ये ब्रैकेट में हैं वो रियल नंबर्स हैं एक्स वन एक्स टू। और रियल नंबर की प्रॉपर्टी हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि उनका जो सम होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी हम इधर का उधर करके लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसी तरीके से वाई टू प्लस वाई वन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से दो नंबर का हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके एडिशन जानते हैं, इस तरीके से उनके ऐड किए हुए हैं तो उनको सेपरेट करना भी जानते हैं, उनको सेपरेट करके लिख दें, यानी एक्स टू रियल पार्ट यहाँ से ले लें और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आई वाई टू। इसी तरीके से बचा हुआ है एक्स वन यहाँ पर है और इधर आई वाई वन है, और ये नंबर को हमने डोनोट किया था जेड टू से इसको जेड वन के, ये कुल चल रहा है जेड वन प्लस का जेड टू से। इसे देख के पता चल रहा है कि ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी दो पेयर के लिए ये प्रॉपर्टी जो होगी वो सेटिस्फाई होगी, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब तो सेकंड ग्रुप की हम तीन प्रॉपर्टी बताएंगे, क्योंकि टोटल हमें 10 प्रॉपर्टी प्रूव करना थी तो उसमें से 5 सेटिस्फाई हो गई, अब 5 और लेना है, तो 5 वो दो हिस्सों में बांटेंगे 3 और 2 के। तो तीन अब हमें यहाँ पर दिखाने हैं ग्रुप सेकंड की, जो तीन प्रॉपर्टी होगी। तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि हम अल्फ़ा जो है यहाँ पर एक सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ले लें, और जेड जो नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से लेते हैं, जबकि जेड की वैल्यू जो है पता ही है हमको कि एक्स प्लस आई वाई होगी और ये सी को इसलिए बिलोंग करती है। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू जेड जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अगर सी को बिलोंग करेगा तो एक प्रॉपर्टी ये और सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अल्फ़ा इंटू जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई रख दें, और ये का पता कैसे होगा कि ये बिलोंग करेगा नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा एक्स हो जाएगा प्लस इसका इनटू वन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स मीनिंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अल्फ़ा इनटू वाई हो जाएगा। देख रहे हैं कि अल्फ़ा भी रियल नंबर है और एक्स भी, दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगेन एक रियल नंबर होता है, इसी तरीके से ये भी एक रियल नंबर है, और रियल नंबर में आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और ये इमेजिनरी नंबर जो होगा तो वो नंबर जो होगा, ये इमेजिनरी नंबर जो होगा वो उससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सी को बिलोंग करेगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम यहाँ पर सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें जो सेकंड वाले ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी है वो लेते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू जेड लेते हैं। तो इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा की जो बीटा लिखेंगे पहले तो, और फिर जेड की वैल्यू को पुट करते हैं, तो बीटा और जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है, फिर इसमें अंदर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर बीटा का कर देंगे, तो अल्फ़ा इंटू ये हो जाएगा बीटा एक्स प्लस का आई इंटू बीटा वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्फ़ा का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये अल्फ़ा और बीटा एक्स ये ब्रैकेट में आ जाएंगे, प्लस आई इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा वाई एक ब्रैकेट में। फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा को साथ में, क्योंकि तीनों ये रियल नंबर हैं और रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए हम अल्फ़ा बीटा को पहले लिख के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए और इनको बाद में लिख देंगे, तो आई इंटू अल्फ़ा बीटा को साथ में और फिर वाई को बाद में लिखते हैं। और फिर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ला इस तरीके से फॉलो होता है,
तो उस तरीके से अल्फ़ा बीटा को यहाँ से कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस आई वाई को यहाँ पर ले लिया, तो ये अल्फ़ा बीटा इंटू ये नंबर जो था वो जेड हो गया, चल रहा था ये किसके इक्वल, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू जेड के इक्वल चल रहा था। देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया, यानी एसोसिएटिव ला एक हिसाब से लग गया है कि अल्फ़ा पहले बीटा जेड का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जबकि अल्फ़ा बीटा जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करती है, जैसे पहले ही बताया जा चुका है, और जेड सी को बिलोंग करता है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब इसका थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी का उल्टा लेना होगा, यानी अब हमें दो जो नंबर्स लेंगे वो वेक्टर के नंबर होंगे, यानी वेक्टर का मतलब सी सी को बिलोंग करेंगे, और जो स्केलर वाले जो नंबर होंगे वो यानी अल्फ़ा वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर हम दो नंबर जो यहाँ पर लेंगे उसका नाम जो है जिसमें सॉरी ये प्रॉपर्टी अब हमारी जो आ रही है वो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, तो उसमें वन इंटू जेड होता है, तो इसमें वन इंटू जेड में पहली प्रॉपर्टी होती है, तो वन इंटू जेड करेंगे और जेड की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होती है। अब यहाँ पर वन का इंटू करेंगे तो वन इंटू एक्स प्लस आई इंटू वन इंटू वाई हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं वन इंटू एक्स यानी रियल नंबर्स में वन का इंटू करेंगे तो वही रियल नंबर आ जाता है, इसी तरीके से वाई के लिए भी लागू होता है, और ये दोबारा से वैल्यू जेड के बराबर आ गई, तो वन इंटू जेड इक्वल टू वन प्रूव कर दी, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है ये भी यहाँ पर प्रूव होगी। अब सी ग्रुप की दो प्रॉपर्टी रह गई, तो इसी के यानी थर्ड वाले ग्रुप की थर्ड वाली जो ट्राई की प्रॉपर्टी थी उसकी दो प्रॉपर्टी रह गई हैं, तो इसे प्रूव करते ही हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल फील्ड पर जो होगा वेक्टर स्पेस होगा। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा लेते हैं जो कि फील्ड्स का एलिमेंट है, और जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जो सी के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को चेक करना है कि प्रूव करना है, तो उसके लिए अल्फ़ा जेड वन की वैल्यू लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू एक्स वन प्लस आई वाई वन के इक्वल है, इसी तरीके जेड टू की वैल्यू एक्स टू प्लस आई वाई टू के इक्वल है। यहाँ से रियल नंबर का सम पता ही हमको कैसे करते हैं, पीछे भी हो चुका है, दो रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर का जो है इमेजिनरी नंबर में ऐड हो जाता है, इसमें से आई कॉमन लेने के बाद में जो लिखा है वो हमने नोट किया। फिर इसके बाद में हम अब करना क्या है कि मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो अल्फ़ा के इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू में हो जाएगा, और इसी तरीके से अल्फ़ा के इंटू वाई वन प्लस वाई टू में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके या कहना चाहिए कि अल्फ़ा को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो अल्फ़ा एक्स वन हो जाएगा प्लस अल्फ़ा एक्स टू हो जाएगा प्लस आई इंटू अल्फ़ा वाई वन हो जाएगा प्लस अल्फ़ा ये वाई टू था, तो इसको हमने अल्फ़ा वाई टू लिख दिया। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किए हुए रखे हुए हैं, इनका हम अलग अलग सेपरेट करना चाहें तो इसका रियल पार्ट ले लें, इस वाले नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ले लें, तो अल्फ़ा इंटू वाई वन हो जाएगा। दूसरा इसी तरीके से नंबर लेते हैं तो इसमें जो होगा वो रियल पार्ट जो है वो यहाँ से अल्फ़ा इंटू एक्स टू हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट आएगा जब इस वाले में इंटू करेंगे आई इंटू अल्फ़ा इंटू वाई टू हो जाएगा। इनमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा को बाहर ले लेते हैं, तो एक्स वन प्लस का आई वाई वन हो जाएगा, इसी तरीके से इसमें से अल्फ़ा बाहर लेंगे तो एक्स टू प्लस का आई वाई टू हो जाएगा। तो इस जो ब्रैकेट में नंबर हैं इसको हम लोगों ने डिनोट किया था जेड वन से, और इसको जेड टू से डिनोट किया था, तो ये इक्वल चल रहा है किसके, अल्फ़ा इंटू जेड वन प्लस का जेड टू। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्केलर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वेक्टर्स पर, जो इस प्रॉपर्टी को भी हमें प्रूव करना होता है। लास्ट प्रॉपर्टी अब एक बची हुई है जो इसकी इस वाली प्रॉपर्टी की उल्टी हो जाएगी, यानी यहाँ पर हम अल्फ़ा और बीटा दो फील्ड के एलिमेंट ले लेंगे रियल फील्ड के, और जो एक वेक्टर एलिमेंट होगा वो सी से बिलोंग करेगा। तो अब बताना होगा कि जो स्केलर का जो सम हो रहा है उस पर किस तरीके से वेक्टर का एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर जेड की वैल्यू को रखना पड़ेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू जेड की वैल्यू एक्स प्लस
आई वाई के इक्वल है, और किस ये जो दो ब्रैकेट में बंद हो गया इसका मतलब दो रियल नंबर को ऐड करेंगे, एक रियल नंबर होगा। अब इस रियल नंबर का इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इनटू करना है, तो किस तरीके से इनटू होता है हम लोग जानते हैं कि इस रियल, पहले तो इस रियल नंबर ये ब्रैकेट में करा, ये एक रियल नंबर इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई इनटू, और इसी तरीके से इस रियल नंबर का इस वाले ब्रैकेट यानी वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत इसको दिखाना होगा, तो इसके लिए हमें इस ब्रैकेट से अलग अलग करना होगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। तो ब्रैकेट खोल के एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि ये सब रियल नंबर है और रियल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो अल्फ़ा एक्स हो जाएगा प्लस का बीटा एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अल्फ़ा पर बीटा, अल्फ़ा और वाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और बीटा में वाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इनको सेपरेट करना है। तो रियल पार्ट में ये इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके लिखेंगे, और इसी तरीके से इसमें रियल पार्ट है उसमें ये इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके लिखना है। रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग। अब इनमें से अल्फ़ा को यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस का आई वाई बचता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे बीटा को यहाँ से बाहर लिया जा सकता है, एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ये डेफिनेशंस का यूज़ कर किया जा रहा है यहाँ पर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स की आपसी डेफिनेशन होती है जो शुरुआत में कह दिया गया था। ये ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो जेड है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं और कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो जेड किस तरीके से जेड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है इसमें रियल नंबर्स की और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशंस हैं उसका यूज़ करते हुए। इस तरीके से देख रहे हैं कि सारी दसों प्रॉपर्टी जो हैं सेक्शन ए बी सी सॉरी सेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड में, यानी फर्स्ट की जो पांच प्रॉपर्टी हैं, सेकंड की तीन और ये थर्ड वाले की हमने देखी कि दो प्रॉपर्टी, ये सेटिस थर्ड वाले की दो प्रॉपर्टी, टोटल मिला के 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो जो सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वेक्टर फील्ड आर पर जो होगा वो एक वेक्टर स्पेस है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं, देयरफॉर दिस इज ए वेक्टर स्पेस। अब हमें ये भी प्रूव करना था कि इसका उल्टा अगर कर दिया जाए, यानी आर को यहाँ और सी को इधर पहुँचा दिया जाए, यानी आर वेक्टर एक वेक्टर कहना चाहिए कि सेट हो गया वेक्टर का और सी जो है वो फील्ड कर दी जाए, तब क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बता देंगे इसका कन्वर्स यानी जो है ये पॉसिबल नहीं है, कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही प्रॉपर्टी से हम दे सकते हैं, क्योंकि निगेशन के लिए हमें 10 प्रॉपर्टी नहीं दिखाना पड़ेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है 10 में से, तो कह देंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें जो एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम चेक कर सकते हैं कि एक जेड ले लिया जो कि वेक्टर जो कि हमारा फील्ड का एलिमेंट एक्स प्लस आई वाई है, जो कि फील्ड आपकी सी हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि हमें देखना है आर सी को देखना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है या नहीं। और यहाँ पर स्केलर अल्फ़ा जो है सॉरी आपकी यहाँ पर वेक्टर का अगर काम कर रहा है तो ये आर को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि ये आर को बिलोंग करेगा, तो जेड की वैल्यू जो एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है और अल्फ़ा से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू अल्फ़ा एक रियल नंबर मिलेगा, प्लस आई इंटू वाई इंटू अल्फ़ा एक रियल नंबर लेकिन इसमें आई से मल्टीप्लाई, तो रियल और कॉम्प्लेक्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ये जो होगा वो आर को बिलोंग नहीं करेगा, जबकि पता है अगर आपने ये वेक्टर स्पेस लिया है तो वेक्टर स्पेस का अगर एलिमेंट लिया है कोई, उसमें इस स्केलर यानी सॉरी फील्ड के एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने पर जो एलिमेंट मिलता है वो भी इसी में अगर सेट में होता है तो और साथ में नौ प्रॉपर्टी और तब होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आर सी है वो एक वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वा आखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।